नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ओंडास्टेरोन टैबलेट के बारे में। इसे बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। एक कंपनी है इटरना एमडी, वोमिकाइन एमडी, ऐसे करके इसे बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। ओंडास्टेरोन टैबलेट एक एंटी एमेटिक ड्रग है। एंटी एमेटिक का मतलब है कि जो आपको उल्टी की समस्या से बचाने में मदद करता है। जिन लोगों को बार बार उल्टी होती रहती है, जी मिचलाता रहता है, उनके लिए यह टैबलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही साल्ट है, ओंडास्टेरोन, जो कि 4 mg के अंदर आता है। 2 mg की भी एक गोली आती है और 4 mg की भी गोली आती है। तो 4 mg की गोली आपको प्रीफर करनी चाहिए। एक गोली की जो स्ट्रेंथ है वो 4 mg है। इसका इस्तेमाल आप अक्सर जिन लोगों को बार बार उल्टी आती है, जी मिचलाता है, उन लोगों के लिए किया जाता है। अगर किसी को बार बार उल्टी आती रहती है, अगर उसे प्रेगनेंसी नहीं है, या इस बात का ध्यान पूरी तरीके से रखना है, प्रेगनेंसी वाली जो लेडीज होती हैं उनको इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को बार बार उल्टी रहती है, जी मिचलाता है, तो उनके लिए यह टैबलेट काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। यह हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर किसी भी इंसान की सर्जरी होनी है, उससे पहले भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को कीमोथेरेपी करवानी है या रेडियोथेरेपी करवानी है, तो उससे पहले भी इसे स्टार्टिंग डोज पर लिया जाता है। इस दवाई को कभी भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोजाना के तौर पर आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अधिक बार इस्तेमाल करने पर आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर हेडेक हो जाना, सिर में दर्द होता है, चक्कर आ जाते हैं, कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को थकावट हो जाती है। तो इस दवाई के इस्तेमाल से अगर किसी को भी ये साइड इफेक्ट आए, तो इस दवाई का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इस दवाई का इस्तेमाल आप हमेशा खाना खाने के बाद करें। हो सके तो आपको अच्छे रिजल्ट के लिए खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई की जो कीमत है मात्र ₹35 है 10 गोली की, और यह लगभग 2 साल तक वैलिड भी रहती है, यानी कि 2 साल तक इसकी एक्सपायरी रहती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को अधिक मात्रा में किसी प्रकार की लिवर डिजीज हो चुकी है, लिवर सिरोसिस है, या फिर किसी की दिल की बीमारी चल रही है और दिल की वो गोली खाता है, किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई ज़्यादा समस्या है, किसी के फेफड़ों से संबंधित किसी को दिक्कत ज़्यादा है, या फिर किसी की किडनी से संबंधित किसी को समस्या है, तो इस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस दवाई का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इस दवाई के कुछ इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि इस दवाई को कभी भी आप कोडिन के साथ या पेंटाजोसिन होता है उसके साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इसके गंभीर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस टैबलेट के फायदे नुकसान के बारे में जान चुके हैं, इसकी कीमत भी आपको पता लग चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।